नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्यन कला में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जैसे कि आता है, रंगों का प्रयोग किस माध्यम से किया गया है। तो ये रंगों का प्रयोग की बात किया जाए तो ये कहाँ का रंगों के प्रयोग की बात किया जा रहा है, तो ये अजंता के रंगों का प्रयोग की बात किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं अजंता के ऊपर वीडियो बनाया था और वहाँ की विशेषता के बारे में बताया था। तो इसमें अजंता के रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है ये बताता है। तो गहरे एवं चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें, प्रतीकात्मक रंगों का। अमृता शेरगिल की बात किया जाए तो अमृता शेरगिल ने ये चित्र दिव्य कला के अनुपम उदाहरण है। अजंता की कलात्मक चित्र परंपरा और माटी की गंध में रचे वैसे रंग भारत की अनमोल धरोहर है। तो इस प्रकार से ये किसने कहा था, अमृता शेरगिल ने कहा था। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सुक्ति दे देता है, ऐसा उक्ति दे देता है और कहता है कि ये किसने कहा है, ये किसकी कथन कथित है, ठीक है। तो ये अमृता शेरगिल ने कहा है। अब आते हैं चित्रकला के अतिरिक्त अजंता में कौन कौन सी ललित कलाएं दिखाई देती हैं। तो मूर्तिकला और वास्तुकला, मूर्तिकला और वास्तुकला जो है ये अजंता में दिखाई देती हैं, ललित कलाएं की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखें तो किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नाम पड़ा था। तो अजंता जो नाम था, गांव का नाम था, तो उसी के आधार पर अजंता गुफा का अजंता नाम पड़ा, ठीक है। अब बाघ की गुफाएं के बारे में आता है, अगर बात आए तो यहाँ पे आ रहा है तो बाघ की गुफाएं जो है ये भी अजंता के समकालीन है, ठीक है। तो अजंता के समकालीन की बात किया जा रहा है बाघ की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं जो है वो 626 से 628 ईस्वी के समय की हैं। तो यहाँ की गुफाएं जो हैं, अब इसमें जो पूछा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश जो कि धार जिला बाघनी नदी के किनारे है, ठीक है। अब ये पूछता है बाघ गुफाओं की खोज कब हुई, तो इसमें जो दिया है 1907-08 में भारत एंटी क्यूरी नामक पत्रिका के माध्यम से देखा जाए तो 1907 और 8 में। लेकिन जो वास्तविकता हमारे क्वेश्चन में बनता है तो इसकी जो खोज होती है वो 1818 ईस्वी में। कभी भी आए तो हम यही लिखेंगे कि 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और किसने किया था, डेंजरफील्ड ने, ठीक है। डेंजरफील्ड ने किया था इसकी खोज। और इसकी प्रतिलिपियाँ जो बनाई गई, तो प्रतिलिपियाँ 1920 में मुकुलचंद डे ने और 1921 में हलदर, असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने बनाया था, ठीक है। अब बाघ की कुल 9 गुफाएँ हैं, ठीक है। 9 गुफाएँ हैं लेकिन 5 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो बाघ की तीसरी कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। बाघ की तीसरी गुफा जो हाथी खाना के नाम से जानी जाती है और बाघ की चौथी गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो रंगमहल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और पांचवी गुफा हम डिटेल में देख लेते हैं कि पहली गुफा से पांचवी गुफा में कौन कौन से नाम से जानी जाती है। तो गर्भगृह पहला जो 5 गुफा में चित्र मिलते हैं, तो 5 गुफाओं में चित्र मिलने से टोटल जो गुफाएं हैं वो 9 हैं। 9 गुफाओं में से 5 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 5 गुफाओं में पहली जो गुफा है वो गर्भगृह है, दूसरी गुफा जो है 5 पांडव की गुफा है और तीसरी जो है हस्तिखाना की गुफा है और चौथी जो है वो रंगमहल गुफा है, पाँचवीं जो है वो पाठशाला है, ठीक है। ये 5 गुफाएँ हैं अजंता की बाघ गुफाओं की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और इसमें क्या पूछा है आपका, चौथी गुफा तो रंगभल। अब आगे क्वेश्चन है कि बाघ की पहली और दूसरी गुफा के नाम का क्रमशः लिखिए। तो पहली गुफा ये जो कि मैंने बताया आपको डिटेल्स में बताया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस हिसाब से है, ठीक है। तो बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, तो कलयन है, ठीक है, कलयन या कलायन। बाघ की गुफाओं का दूसरा नाम पंच पांडव, जिसे कि बाघ की जो गुफा है उसे उसका जो नाम पूछा जाता है, ज़्यादातर जो नाम पूछा जाता है वो कलियन नाम पूछा जाता है, ठीक है। जो कलियन है बाघ गुफाओं की प्राचीन नाम कलियन, दूसरा कौन नाम है, कलियन। तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव की गुफा कहते हैं, दूसरा नाम जो पूछा है पंच पांडव की गुफा। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है ये पूछ लेता है, तो गुफाएं बौद्ध धर्म से, महायान संप्रदाय से, महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय थे। तो उसमें गौतम बुद्ध के जन्म के समय की बात है, तो महायान और हीनयान दो यान चलते थे। तो उसमें जो महायान संप्रदाय के लोग थे उनसे संबंधित है बाघ की गुफा, ठीक है।
और बाघ की गुफाओं का समय क्या था ये पूछता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 626 से 628 जो ईस्वी थी उसमें बाघ गुफा और अजंता गुफा, मैंने पहले बताया कि बाघ गुफाओं गुफा और अजंता गुफाएं दोनों समकालीन हैं, तो इसलिए दोनों का जो समय काल रहेगा वो 626 से 628 महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र के लेख के अनुसार, जो कि चौथी और पांचवीं शताब्दी में मिली थी, तो 626 से 628। अब आते हैं बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम किन चित्रकारों ने तैयार किया था, तो ये भी मैंने बताया अभी, सन 2000 सन 1920 में मुकुल चंद डे ने बनाया था, 1921 में असित कुमार हल्दर और 1921 में ही नंदलाल बोस ने बनाया था। ठीक है, अब सर जॉन मार्शल के अनुसार क्या कहा गया है कि बाघ की चित्रकारी कलात्मक एवं अजंता की चित्रकारी से किसी तरह से कम नहीं है, इसमें जीवन की विभिन्न दशाओं का चित्रण होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये सूक्ति दे देगा, ये उक्ति दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये उक्ति किसकी है, तो हमें याद होना चाहिए कि सर जॉन मार्शल ने ये कहा था। अभी इससे पहले मैंने अमृता शेरगिल का भी बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं बादामी गुफा की ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बादामी गुफा शिव भगवान से संबंधित तो गुफा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बना भी है अपने टीजीटी और पीजीटी में। महाराष्ट्र में इसमें जैसे दिया है लेकिन ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, कभी भी पूछे तो ये महाराष्ट्र प्रांत अगर पूछे तो महाराष्ट्र देखें हम बताएंगे। ठीक है, ऐहोल नामक स्थान के पास बादामी गुफा स्थित है कर्नाटक की। ठीक है, और बादामी गुफाओं की संख्या क्या है, तो चार गुफाएं उसमें हैं, बादामी में चार गुफाएं हैं। बादामी गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं, चालुक्य के राजा कीर्तिवर्मन द्वारा 578 ईस्वी में बनाए गए हैं। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी शिव शिव गुफा, वैष्णव गुफा, जैन गुफा, बादामी गुफा, ये जो है तीनों गुफा तीनों धर्म से मिलकर बादामी गुफा बनी है। अब शीतलवासन गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये पूछ लेता है, तंजौर के पास पदुकोटा नामक स्थान शीतलवासन गुफाओं का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। शीतलवासन की गुफाओं का निर्माण कब हुआ ये पूछता है, तो 600 से 650 ईस्वी में हुआ। और शीतल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। शीतलवासन गुफा किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के किनारे है। शीतलवासन गुफाओं की खोज कब हुई, 1934 ईस्वी में खोज हुई थी। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया था, तो 21 नंबर गुफा को खोजा गया था एलोरा की। ठीक है, और एलोरा में कुल कितने कला मंडल है ये पूछता है, तो 34 हैं, 12 बौद्ध धर्म से, 17 ब्राह्मण धर्म से और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर या एलपुर है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, तो छठवीं गुफा में। 10 और 11 नंबर की गुफा को किस नाम से जाना पुकारा जाता है, जाना जाता है 10 नंबर की गुफा को सुतार झोपड़ी, और 11 नंबर की गुफा को तीन ताल के नाम से जाना जाता है। कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है, तो 16वीं गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछता है और आप जानते भी हैं। कैलाश मंदिर के आलेखन में क्या चित्रित है, तो आलेखन में कमलवन, मछली, हाथी, फूल, तुर्ती, अप्सराएं आदि चित्रित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये पूछिए, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर एलोरा गुफाएं। ठीक है, एलोरा में किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, देव, तीनों धर्म से है। सिगिरिया गुफा की बात आ जाती है, इसमें क्वेश्चन दिया है, तो सिगिरिया जो गुफा है वो लंका में है, लंका में इन गुफाओं का निर्माण राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था। सिगिरिया में कितनी गुफाएं हैं, तो 6 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में लगने वाला प्लास्टर किस प्रकार का बनाया गया है, तो चावल की भूसी, नारियल के तेल और खड़ियों में मिला के बनाया गया है। सिगिरिया की गुफाएं कब निर्मित हुई ये पूछता है, 16वीं और 17वीं गुफा के समकालीन यह गुफा राजा कश्यप ने 479 से 497 के काल में बनाया गया, निर्मित किया है। खजुराहो में किस धर्म के मंदिर पाए गए हैं, तो शैव और वैष्णव, जैन। ठीक है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, कौन सा है, तो 64 योगिनी मंदिर है और ये मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल राजाओं ने करवाया था। जोधपुर में कितनी सूर्य मंदिर हैं, 12 सूर्य मंदिर हैं।
एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो बम्बई दक्षिण पश्चिम एक टापू यानी गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 200-400 रुपये लगता है, आप वहाँ से शिप द्वारा जा सकते हैं। अब गुफा का नाम एलिफेंटा क्यों रखा गया ये पूछता है, तो चूंकि यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति थी, यह मूर्ति अब प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। एलिफेंटा से पूर्व इसका नाम धारा नगरी था। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो त्रिमूर्ति है जो कि 24 फीट चौड़ी और 17 फीट ऊंची है। कन्हेरी गुफाएं कितनी और कहाँ हैं? तो 109 गुफाएं हैं बम्बई में, बोरीवली स्टेशन से 5 मील दूर है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। दक्षिण शैली किन शैलियों के समकालीन रही है? अजंता की नवी यानी 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व और दशमी गुफा यानी 3000 ईसा पूर्व से 226 ईस्वी तक से लेकर राजपूत एवं मुगल काल तक दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण शैली की प्रमुख प्रसिद्धि कौन कौन सी हैं? द्रविड़, बेसर और नागर, ये तीन शैली में मूर्तियाँ बनाई, अपना मंदिर बनाया गया था, और ये तीनों शैली प्रसिद्ध थी। इन तीनों पद्धतियों का संगम उदयपुर राजस्थान के किस मंदिर में दिखाई देती है? तो एकलिंग जी मंदिर में दिखाई देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।